हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नो ब्लॉक ड्रॉप के बारे में बात करेंगे। जैसे इस ड्रॉप का यूज कौन कौन सी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, इसे कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए, नो ब्लॉक ड्रॉप का यूज करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिले सबसे पहले देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। सबसे पहले बात करते हैं नो ब्लॉक सिरप में कौन कौन से कंटेंट पड़े होते हैं। नो ब्लॉक सिरप में पैरासीटामोल 125 एमजी में, फेनेल फेरन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 एमजी में, क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट 1 एमजी में पड़ा होता है। इन तीन कंटेंटों से मिलकर नो ब्लॉक ड्रॉप को बनाया जाता है। नो ब्लॉक ड्रॉप को स्टार मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि मैनकाइंड कंपनी की ही एक डिवीज़न है। नो ब्लॉक ड्रॉप आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर 15 ml की पैकिंग में 61 रुपये में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं नो ब्लॉक ड्रॉप का यूज कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया जाता है, इस ड्रॉप के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नो ब्लॉक ड्रॉप का यूज मेन रूप से सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी, कॉमन कोल्ड, इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए नो ब्लॉक ड्रॉप का यूज किया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों को बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, नाक बहने लगती है बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चों के सीने में जकड़न होने लगती है जिसकी वजह से नाक बंद हो जाती है, और सर्दी जुखाम हल्का फुल्का बुखार है तब भी आप इसका यूज करा सकते हैं। अब बात करते हैं नो ब्लॉक ड्रॉप का यूज करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कभी कभी बच्चों में नोजिया, वोमिटिंग, पेट में मरोड़ जैसी कुछ समस्याएँ देखने के लिए मिल सकती हैं, या फिर इसकी अदर कोई और समस्या आपको देखने के लिए मिले तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं नो ब्लॉक ड्रॉप का यूज कितनी मात्रा में करना होता है, इसकी डोज किस तरीके से देनी होती है। जैसे कि आप नो ब्लॉक ड्रॉप के रैपर पर देख सकते हैं, इसकी डोज मेंशन की हुई है। जैसे कि अगर आपका बच्चा 1 से 6 महीने का है तब आप उसे 0.2 ml दे सकते हैं, और अगर बच्चा 7 से 12 महीने का है तब आप उसे 0.2 ml से 0.4 ml तक सुबह, दोपहर, शाम, और अगर बच्चा 1 से 2 साल का है तब आप उसे 0.4 ml से 0.8 ml तक सुबह, दोपहर, शाम, या डॉक्टर के अनुसार दिन में 4 बार दे सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और नो ब्लॉक ड्रॉप से संबंधित आपका कोई सवाल है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।